ओम चतुर्मुखाय विद्महे कमंडलु धाराय धीमहि तनो ब्रह्मा प्रचोदयात। ओम चतुर्मुखाय विद्महे कमंडलु धाराय धीमहि तनो ब्रह्मा प्रचोदयात। ओम चतुर्मुखाय विद्महे कमंडलु धाराय धीमहि तनो ब्रह्मा प्रचोदयात। ओम चतुर्मुखाय विद्महे कमंडलु धाराय धीमहि तनो ब्रह्मा प्रचोदयात। ओम चतुर्मुखाय विद्महे कमंडलु धाराय धीमहि तनो ब्रह्मा प्रचोदयात। हिरण्यकश्यप हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, मांगो वत्स, क्या वरदान चाहते हो? हे सृष्टि के पितामह, हे स्वयंभू, हे ब्रह्मांड के रचयिता, मुझे वर दीजिए कि मेरी मृत्यु ना हो। वत्स, हम सब सृष्टि के नियमों से बंधे हैं। सांसारिक लोक में मृत्यु एक अटल सत्य है। यहाँ जो कोई आया है उसे जाना ही पड़ेगा। अर्थात तुम ऐसा वर मांगो जो सृष्टि के नियमों से परे हो। ठीक है प्रभु, मुझे वरदान दीजिए, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में, ना धरती पे मरूं, ना आकाश पे, ना कोई मुझे मनुष्य मार पाए, ना जानवर, ना कोई शस्त्र, ना कोई अस्त्र, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर। तथा अब मैं अमर हो गया। हे प्रभु, मैं अमर हो गया, अब मैं सृष्टि पर राज करूंगा। अब मेरी मृत्यु नहीं हो पाएगी। हिरण्यकश्यप, अभी तुम अमर नहीं हुए, मुझे अपना वरदान पूरा तो करने दो। अवश्य प्रभु, अवश्य। तथास्तु। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था, लेकिन हिरण्यकश्यप आज भी प्लास्टिक के रूप में जिंदा है। वो अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। आज भगवान नरसिंह की भूमिका हर नर और नारी को निभानी ही होगी। आज से ही प्लास्टिक का उपयोग बंद करें।